उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की एक बैठक आगामी शिक्षक एवं स्नातक स्तर तक होने वाले 1 दिसंबर के चुनाव को लेकर संपन्न हुई। बैठक के दौरान जहां चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से आपस में बातचीत की गई, तो वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख ने बताया कि आगामी 1 दिसंबर को होने वाले स्नातक एवं शिक्षक MLC चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए एक एक कार्यकर्ता जहां जी जान से लगा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की दोनों ही प्रत्याशी इस जनपद से एक बड़े बहुमत के साथ जीतने के जा रहे हैं। तो वही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के हापुड़ आगमन पर दिए गए मूल मंत्र के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह मूल मंत्र पार्टी का आंतरिक मूल मंत्र है, जिसे वह सार्वजनिक नहीं कर सकते, परंतु जब उनसे जीत पर अस्वस्थ दिखने पर पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आज प्रदेश में किसान, मजदूर, छात्र, गरीब सभी प्रदेश की सत्ता की नीतियों से परेशान है। समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा किए गए विकास कार्य को याद कर पूरी तरह समाजवादी पार्टी की टकटकी लगाए बैठा है, जिस कारण समाजवादी पार्टी का एक एक प्रत्याशी जीत की ओर अग्रसर हो रहा है और कार्यकर्ता भी बूथ स्तर तक मतदाताओं के बीच उनकी समस्या का समाधान कराते हुए पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही है? 1 दिसंबर 2020 को स्नातक और शिक्षक का चुनाव होने वाला है, उसको लेकर आज हमारे जो हापुड़ जिले में जो कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं उसकी बैठक हुई, उसी में अपने अपने बूथों पर प्रत्याशी को जिताने का आह्वान किया गया और जो वहाँ रणनीति है चुनाव वाले दिन वोट लाने की, कहीं गाड़ी भेजने की, वो सब व्यवस्था आज जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को बताया गया और 1 तारीख में बहुत मजबूती के साथ हमारे कार्यकर्ता एक एक वोट को निकाल कर हमारे प्रत्याशी जो स्नातक से शमशाद अली जी उनको जिताकर भेजेंगे हापुड़, और शिक्षक से जो धर्मेंद्र कुमार जी हैं उनको जिताकर भेजेंगे। कल प्रदेश अध्यक्ष जी हापुड़ आगमन हुआ, जो मुरादाबाद से आए थे, और हापुड़ से मेरठ गए, जो मेरठ जिला कार्यालय पर पूरे मंडल के जिलाध्यक्ष और जो वहाँ विधायक मंत्री उनकी सबकी बैठक थी, और जो मूल मंत्र है वो मूल मंत्र जो देकर गए, हम आपको तो उसको बताएंगे नहीं क्योंकि अभी चुनाव 1 तारीख में है, पता चला कि वो मूल मंत्र हमारे द्वारा बताया गया, कोई और प्रत्याशी उसको मान्य अखिलेश यादव जी द्वारा जो विकास कार्य हुए और शिक्षा पर जो काम हुआ उस काम को लेकर, उधर जो BJP सरकार है उसकी गलत नीतियों के कारण जो आज सभी वर्ग परेशान है, चाहे किसान हो, छात्र हो, व्यापारी हो, जनता ये बिल्कुल मन बनाए बैठी है कि BJP को हराना है और समाजवादी की पार्टी की तरफ एक उम्मीद की किरण है और समाजवादी की पार्टी के कैंडिडेट को जनता जिताने का काम करेगी, इस आधार पर हम चुनाव ये स्नातक के स्नातक। हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट।